देश के अंदर एक समय चौकीदार शब्द बहुत छोटा था, पर मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार शब्द को बहुत बड़ा बना दिया। आज आप किसी भी बड़े नेता का ट्विटर देखेंगे, ट्विटर अकाउंट पर लिखा हुआ है चौकीदार राजनाथ सिंह, चौकीदार नितिन गडकरी, चौकीदार अमित शाह, चौकीदार जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, थावरचंद जी, गहलोत, सबके आगे चौकीदार लिखा हुआ है। चौकीदार शब्द को गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने किया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो पत्थर लोग मुझे मारने के लिए फेंकते हैं, उस पत्थर को मैं मकान बना लेता हूं, उसमें रहने लगता हूं, उस पत्थर की मैं सीढ़ियां बना लेता हूं और ऊपर चढ़ जाता हूं। उन्होंने चौकीदार शब्द को, जब विरोधियों ने गाली दी तो उन्होंने चौकीदार शब्द को और बड़ा बना दिया। आज देश का हर नागरिक कह रहा है कि मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति चौकीदार है। अब आप बताइए, इंदौर शहर लगातार 3 साल से सफाई में हैट्रिक मारी कि नहीं मारी, लगातार 3 साल से, इसलिए कि इंदौर का हर नागरिक इस बात के लिए चौकीदारी करता है कि मेरे शहर में गंदगी नहीं हो। जैसे ही नगर निगम की गाड़ी टेप रिकॉर्ड बजाते हुए निकलती है तो अपने घर का फटाफट कचरा उठाया और उस कचरा गाड़ी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो इंदौर अगर साफ हुआ है तो ये हमारी माताएं बहनें जो सुबह उठकर अपने घर की झाड़ू निकालकर और कचरा उस गाड़ी में डालती हैं, ये अगर चौकीदारी नहीं करे तो क्या इंदौर साफ रह सकता है, क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी माता बहने भी चौकीदार है कि नहीं इंदौर को सफाई करने की? अरे बच्चे चौकीदार है। हम लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, पूरा परिवार था। हमारे आकाश बाबू विधायक साहब की बेटी है छोटी सी, सराफे में सावेर में हम लोगों ने भुट्टे लिए और जाम लिए, तो जैसे ही भुट्टा खत्म हुआ तो आकाश जी से छोटे कल्पेश जी कांच खोल के बाहर फेंकने लगे, तो आकाश जी की बेटी अविष्का बोली, अंकल नो नो, फेंकना नहीं बाहर। अब देखिए 6-7 साल की बेटी अगर ये कहे कि अंकल बाहर नहीं फेंकना, तो इस सफाई के लिए वो बेटी भी चौकीदार है कि नहीं? बोले वो 6 साल की है, 7 साल की है। ये पत्रकार 1 घंटे से कैमरा लेके खड़े हुए हैं, ये भी बहुत बड़े चौकीदार है। ये भी समाज की बुराई ढूंढते हैं और समाज में जो बुराई कर रहे हैं लोग, जो गलत काम कर रहे हैं उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। समाज में विकृति को समाप्त करने का काम यदि कर रहा है तो ये पत्रकार कर रहा है। बताइए ये भी चौकीदार है कि नहीं है? चौकीदार सब चौकीदार है, हम भी सब चौकीदार है, मंच में बैठे हुए सब चौकीदार हैं। और इस देश में, इस देश की बागडोर किस चौकीदार को दी जाए, यह एक वोट डालकर एक चौकीदार अपना बड़ा चौकीदार बनाता। आप लोग कहते हैं ना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, होता है कि नहीं होता है? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कितने यहाँ पर ऑफिसर है जरा बताए तो चौकीदारों में हाथ खड़ा करें, जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है सब लोग, है ना? तो हम लोग चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, बड़ा चौकीदार। तो देश के 125 करोड़ जनता जो एक वोट डालकर बड़े चौकीदार का सिलेक्शन करती है, 2014 में लोगों ने एक वोट डालकर, सब हम चौकीदारों ने वोट डालकर एक बड़ा चौकीदार नरेंद्र मोदी को बनाया और उनको जवाबदारी दी कि आप देश की चौकीदारी करिए। उन्होंने देश की चौकीदारी की। कोई बता सकता है कि इस 4.5 साल में, 2014 के पहले का अखबार उठा के देखिए, चाहे नई दुनिया हो, चाहे भास्कर हो, चाहे कोई भी अखबार हो, उस अखबार के फ्रंट पेज में न्यूज होती थी कि आज इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, आज इतने करोड़ का 2G में भ्रष्टाचार, 3G में भ्रष्टाचार, कोयले की खदान के आवंटन में भ्रष्टाचार। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे ना। 2014 के बाद से जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, क्या आपको एक भी फ्रंट पेज न्यूज मिली जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हो? बताइए,
हमने जिस चौकीदार को देश की बागडोर सौंपी थी उसने भ्रष्टाचार से इस देश को बचाया कि नहीं बचाया, चौकीदारी की कि नहीं ईमानदारी से, उन्होंने ईमानदारी से चौकीदारी की। आज हम यहां पर आराम से चर्चा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो उसका श्रेय किसको है? इस देश की सीमा पर खड़े हुए वे नौजवान जो अपना घर बार छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर होली भी वहां मना रहे, दिवाली भी वहां पर मना रहे, बच्चों को छोड़कर, बीबी को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, देश की दुश्मनों को तरफ छाती करके आंख गड़ाकर खड़े हुए हैं, वो भी देश की चौकीदारी कर रहे हैं। यदि वो चौकीदार नहीं हो तो क्या हम यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं? और इसलिए वो भी सैनिक जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी देश के चौकीदार हैं, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण उन चौकीदारों की चिंता नहीं की गई जो देश की सीमा पर खड़े रहते थे। उनको ताकतवर नहीं बनाया गया, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी। पिछली सरकारों ने उन चौकीदारों की चिंता ही नहीं की। हमें कहते हुए गर्व है कि हम आपने जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के रूप में, बड़े चौकीदार के रूप में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना तो इन्होंने देश को ताकतवर बनाया, देश की सेना को ताकतवर बनाया। वे सब नौजवान जो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं उन्हें अच्छे हथियार, अच्छे वस्त्र और बहुत सारी सुविधाएं दी, और उससे ज्यादा एक अधिकार दिया कि जाइए अगर दुश्मन की तरफ से 10 गोली आए तो आप 10 गोले बरसाएं इनके ऊपर, चिंता नहीं करें, मुझसे पूछे नहीं, मुझसे नहीं पूछना। जब पुलवामा की घटना हुई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जिन्होंने गलती की है बहुत बड़ी गलती की, उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। मैं अभी देश के तीनों सेना नायकों को बोलकर आया हूं कि आप निर्णय लें कब, कहां, कैसे सजा देना है, वह आपको निर्णय करना है। मेरी तरफ से छूट है, सेना को ये छूट देने का अधिकार किसी ने दिया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया। अब सीमा पे खड़े हुए नौजवान को पूछने आने की जरूरत नहीं है दिल्ली के अफसरों से कि उधर से गोलीबारी कर रहे हैं मैं क्या करूं, पूछने की जरूरत नहीं, उधर से गोली एक आए आप 10 मारो, 10 बम मारो। ये अधिकार सेना को अगर किसी ने दिए हो तो हमारे देश के सबसे बड़े चौकीदार नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। आज भ्रष्टाचार से देश की रक्षा की, आज आतंकवाद पे जवाबी हमला किया है, आज देश को आगे बढ़ाया है, आज विदेश में रहने वाले नौजवान वहां पर खड़े होकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इंग्लैंड गया था, वहां पर इंदौर का एक हमारा नौजवान वहां पर डिप्टी मेयर है राजेश अग्रवाल, उसने वहां पर काफी भारतीय लोगों को बुलाया और एक भोजन का आयोजन किया गया था। मैं पहुंचा इसलिए सब लोग कह रहे थे कि मैं 20 साल से यहाँ रहता हूँ, 25 साल से रहता हूँ, जब पहले यहाँ रहता था तो लोग कहते थे अरे ये तो गुलाम देश भारत का है, लोग बड़ी खराब दृष्टि से भारतीयों को देखते हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से भारतीयों को देखने का नजरिया बदल गया और इंग्लैंड के गोरे लोग कहने लग गए ये मोदी जी के देश का लड़का है, ये मोदी जी के देश का नौजवान है। तो मोदी जी ने आज दुनिया में भी देश का सम्मान बढ़ाया है। तो ये देश का सबसे बड़ा चौकीदार फिर एक बार जनता के बीच में आने वाला है। हम सब चौकीदारों की जवाबदारी है कि एक बार फिर से देश की बागडोर इस महान व्यक्तित्व के हाथ में सौंपे, इस बड़े चौकीदार के हाथ में सौंपे, इसको एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए। आप इसको एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, 5 साल तक आपको न आतंकवाद न भ्रष्टाचार की कोई शिकायत सुनाई देगी, इस प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व है नरेंद्र मोदी। मुझे उम्मीद है रमेश जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें, सारे पार्षद बंधु हमारे राजेंद्र जी, राजकर्पूरा जी, चंदू जी, जितने भी हैं हमारे सैनिक नेता, हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, इन सबके लिए जरा तालियां बजाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम, मैं सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया सुबह, अभी 3 बजे वापस बंगाल चले जाऊंगा, 3 बजे मेरी फ्लाइट है, सिर्फ आपके प्रति सम्मान देने के लिए आया, आपको प्रणाम करने के लिए आया, आपका सम्मान करने के लिए आया। मैं बंगाल से वापस बंगाल जा रहा हूं, पर इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए मैं सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए
अलग दुबे जी, हाँ हमारे अलग दुबे जी, नहीं तो मेरा अखबारों में उल्टा फोटो लटका देंगे। हमारे मीडिया देखते हैं अलग दुबे जी, तो उनका भी जरा ताली बजाकर स्वागत करें। तो आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ, मंच के सब लोग आयोजकों के लिए जरा जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें। और मैं कहूंगा भारत माता की आप कहेंगे जय, और संकल्प लें कि आने वाले चुनाव के अंदर हम सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर से मतदान करेंगे व करवाएंगे। बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।